हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है अभी जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसका नाम है आइगन वैल्यूज़ एंड डायगोनलाइजेबिलिटी, ठीक है ना। और मैं डायगोनलाइजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। इससे जस्ट पहले वीडियो लेक्चर में मैंने डायगोनलाइजेबिलिटी का यानी कि डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन मैंने दिया था, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और उसी के जस्ट मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो है डायगोनलाइजेबिलिटी टेस्ट। यानी एक तरह से मैं कहूँ तो नॉर्मली अगर आप डेफिनेशन के थ्रू जाओगे डायगोनलाइजेबल होता क्या बेसिकली, यही ना। जैसे मैं अगर मैट्रिक्स की बात करूँ, किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल का बोलेंगे, हो सकता है वो खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स हो तो डायगोनलाइजेबल है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तो उसे किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर बताना पड़ता है, तो उसे क्या हम क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेबल, ठीक है। और किसी लीनियर ऑपरेटर की बात करूँ तो लीनियर ऑपरेटर किसी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस पर डिफाइन है, वेक्टर स्पेस पे, अगर उनका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर किया जाए और कम से कम एक बेसिस मिल जाए जिनके रिस्पेक्ट में अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करता हूँ और वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर डायगोनलाइजेबल है तो हम कहेंगे कि वो डायगोनलाइजेबल लीनियर ऑपरेटर है। क्लियर है तो डेफिनेशन है, जो अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिए, उसमें पूरे डिटेल में मैं बताया हूँ, ठीक है। लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको है ना कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो आप डेफिनेशन में नहीं जा सकते, आप ट्रिक में जाएंगे, टेक्निक में जाएंगे। तो वही चीज़ हम जानने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहना चाहिए, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और सभी जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं ब्रह्मास्त्र कह सकता हूँ किसी भी लीनियर ऑपरेटर या किसी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी को देखने के लिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा ट्रिक है, समझ लीजिए। तो मैं हेडिंग डाल दिया हूँ डायगोनलाइजेबिलिटी टेस्ट। ओके, कंटिन्यू करते हैं। लेट वी और एफ बी अ वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू एन एंड टी फ्रॉम वी टू वी बी अ लीनियर ऑपरेटर। ओके, हमने एक वेक्टर स्पेस लिया, ऑब्वियसली बात है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और हमने लिया एक लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो मैं पूरे डेफिनेशन को लीनियर ऑपरेटर के व्यू से दे रहा हूँ, लेकिन आप आसानी से समझ सकते हैं ना कि इस लीनियर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग जो है ना, हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर फील्ड एफ है यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ ए इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है ना। टी फ्रॉम वी टू वी, इनकी डायमेंशन इनकी डायमेंशन, तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स तो मिलेगा ना। तो जो रिजल्ट है उसको टी के लिए समझो या इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए समझो, एक ही बात है, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखिए, टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ ए एम मीन्स एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी या फिर काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी है ना, विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा या करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जी एम करेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। एक चीज़ और, जितना भी देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो रिजल्ट बताए इफ एंड ओनली इफ है, अगर इफ एंड ओनली इफ आ जाता है ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यही है कि वो एक डेफिनेशन का रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाता है, पावरफुल रिजल्ट बन जाता है, क्योंकि इधर से भी इम्प्लाई हो रहा है, इधर से भी इम्प्लाई हो रहा है, दोनों तरफ से इम्प्लाई होता है ना। तो क्या हुआ, टी इज डायगोनलाइजेबल, ये जो भी मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है इफ एंड ओनली इफ ए एम इक्वल्स टू जी एम फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। इसका मतलब ये हुआ जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे, ठीक है ना, जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे टी के, सभी आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ए एम और जी एम अगर इक्वल है तो समझ लीजिए कि टी क्या है, डायगोनलाइजेबल है। और अगर डायगोनलाइजेबल है तो इक्वल हो गई होगा, इसका मतलब डेफिनेशन का काम कर रहा है, ठीक है ना। ओके, सेकंड पॉइंट, टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ बेसिस बीटा ऑफ वी कंसिस्टिंग ओनली आइगन वेक्टर्स, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सेकंड पॉइंट में, जो भी वेक्टर स्पेस डिफाइन है ना वी जो है, उस वेक्टर स्पेस पे कम से कम एक अगर बेसिस आपको मिल जाए जिसके अंदर सभी वेक्टर्स आइगन वेक्टर्स हैं, समझ लीजिए कि ये सिचुएशन है इस टी की डायगोनलाइजेबिलिटी का, मतलब डायगोनलाइजेबल होगा तभी ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर ऐसा सिचुएशन है तो डायगोनलाइजेबल होगा, ठीक है ना। ओके, थर्ड केस, टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ वी इक्वल्स टू ई लैम्डा वन डायरेक्ट सम, ई लैम्डा टू डायरेक्ट सम, ऐसे करते करते डायरेक्ट सम ई लैम्डा के, वेयर लैम्डा वन लैम्डा टू एंड सो ऑन लैम्डा के आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ टी, या फिर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स अगर ले रहे हो तो ए, ठीक है ना। तो जो भी मैट्रिक्स है लीनियर ऑपरेटर है उनके ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, ऑब्वियस ही बात है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा तो हो सकता है पूरा एन के एन, हो सकता है एन से छोटा हो, है ना, वो भी पॉसिबल है, इसलिए मैंने के टू ले लिया है ना, हो सकता है रिपीटेड भी हो ना, इसलिए मैंने है ना लैम्डा वन लैम्डा टू एंड लैम्डा के लिए, हो सकता है सबके सब डिस्टिंक्ट हो, या हो सकता है कुछ रिपीटेड भी हो सकते हैं, इसी वजह से उसमें जो डिस्टिंक्ट है वो लैम्डा वन लैम्डा टू एंड लैम्डा के हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस ई लैम्डा वन, लैम्डा टू के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस ई लैम्डा टू,
ऐसे करते करते लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस ई लैम्डा के, ये जितने भी हैं आइगन स्पेसेस इनका जो डायरेक्ट सम मतलब इनका जो लीनियर सम है वो वी है, और इनका इंटरसेक्शन है सिंगलटन जीरो। इसका मतलब ये हुआ इसके इंटरसेक्शन में और कोई आइगन वेक्टर कंटेंट नहीं होता है, कुछ है ही नहीं, बस जीरो वेक्टर है, ठीक है ना, बात क्लियर है। अगर इस तरह से अगर लिख पा रहे हो है ना डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेसेस का जो डायरेक्ट सम है अगर वी के इक्वल आ रहा है तो समझ लीजिए ये सिचुएशन है टी के डायगोनलाइजेबिलिटी का। अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो ये कंडीशन होल्ड होगा, और कंडीशन होल्ड होगा तो टी क्या होगा, डायगोनलाइजेबल। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट में से है, ध्यान रखना, जिसमें सब फर्स्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये डेफिनेशन का रोल प्ले करता है, एग्जांपल भी लेकर के देखेंगे, है ना। ओके, फोर्थ पॉइंट, इफ टी हैज एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, है ना, ऑब्वियस सी बात है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स बनेगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कितने पॉसिबल हैं, एन। तो अगर जितने भी आइगन वैल्यूज हैं सबके सब डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कहना चाहिए पूरा एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, देन टी इज डायगोनलाइजेबल, ऑब्वियसली, कैसे हुआ बताइए, है ना। अगर सबके सब आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है तो हर एक आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग ए एम वन होगा, जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे वो सिंगल सिंगल बार है ना भाई, रिपीटेड नहीं है, है ना, तो इसका मतलब ए एम वन हुआ, और अगर ए एम वन है तो जी एम मस्ट बी वन, ठीक है ना, और ए एम जी एम दोनों इक्वल हो गया, हर एक आइगन वैल्यू का करस्पॉन्डिंग ए एम जी एम इक्वल हो जाएगा, इस वजह से क्या हो जाता है, डायगोनलाइजेबिलिटी। क्लियर है, तो ध्यान रखना ए एम जी एम का कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखे तो इसको भी देख लीजिए, इसी वीडियो के जो आपका कंटिन्यू जो चला रहा है ना उसमें आपको मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है कि आप वीडियोस को कैसे रीड करेंगे, कैसे देखेंगे, इसीलिए मैं क्या करता हूँ हमेशा प्लेलिस्ट बना देता हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख भी सकते हैं कि लीनियर अलजेब्रा क्या है, उसका टॉपिक क्या है, फिर उसके अंदर है ना जो पढ़ उसका टॉपिक क्या है ना, पूरे डिटेल में बता दिया हूँ, ठीक है। ओके, तो फाइनली ये जो है बहुत ध्यान रखना, और इसमें इफ एंड ऑन इफ नहीं चलता है ना, इसलिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ बट नॉट कन्वर्सली करें, कहने का मतलब ये है कि ये P implies Q वाला सिचुएशन है बस, है ना, कन्वर्स ट्रू नहीं होता, एन डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू से डायरेक्ट इंप्लाई कर जाएगा कि डायगोनलाइजेबल है करके, लेकिन डायगोनलाइजेबल होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि सबके सब आइगन जो है रिपीट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा, क्या बोल सकते हो क्या, नहीं ना। तो इसके लिए कंसेप्ट मैं एग्जाम्पल दे दिया हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत ये होती है ना कि ये जो होता है डायगोनलाइजेबल होता है, स्केलर मैट्रिक्स है ना, ठीक है ना, सबके सब पूरे आइगन वैल्यू जो डायगोनल मैट्रिक्स, सिंपल सी बात बोलूँ तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है ना उसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, वन वन टू, वन टू वन, जो कुछ भी, थ्री क्रॉस थ्री का ले लिया, ऐसे एन क्रॉस एन का ले सकते हो, ठीक है ना। तो देख सकते हो इसमें आइगन वैल्यूज रिपीटेड है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज होते हैं एग्जैक्टली वही आइगन वैल्यूज होते हैं इस सिचुएशन में, तो ये सब ये तो रिपीटेड है, रिपीटेड है मतलब एम तो अलग है ना, एम तो जो है वन से ज़्यादा है, कहने का मतलब है डिस्टिंक्ट तो नहीं है ना, है ना, लेकिन फिर भी डायगोनलाइजेबल है ना, ठीक। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू होने से डायगोनलाइजेबल होता है, लेकिन कन्वर्स टू नहीं, उसके लिए एग्जांपल ही हो गया, क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, इफ ऑल लैम्डा डज नॉट बिलोंग टू एफ देन डायरेक्टली इंप्लाइज टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, है ना, जितने भी रिजल्ट देखे थे डायगोनलाइजेबिलिटी से लिंक करता था, मतलब डायगोनलाइजेबिलिटी को इंप्लाई कर देता था, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी बताऊंगा, कुछ नोट जो डायगोनलाइजेबिलिटी को इंप्लाई नहीं करता, उसके लिए बेस्ट है ये, है ना। देखिए, इस बात को पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से जो वैल्यूज़ निकलती है अगर वो फील्ड में लाई करता है तो हम कहते हैं उसको आइगन वैल्यूज़, लेकिन अगर फील्ड में लाई नहीं करता तो फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो बस वही सिचुएशन है ये, अगर है ना अपने को पता है कि पहली कंडीशन ही यही है कि जितने भी लैम्डा है सबके सब फील्ड के अंदर तो लाई करना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसे लैम्डा भी है ना जो फील्ड एफ में लाई नहीं करता तो समझ लीजिए ये सिचुएशन है नॉट डायगोनलाइजेबल, क्लियर ना। सबके सब लैम्डा एफ बिलोंग करना चाहिए, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो एफ में नहीं करता, मतलब सबके सब जो है ना, इफ ऑल लैम्डा डज नॉट बिलोंग टू एफ देन डायरेक्टली इंप्लाइज टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना, क्लियर है। ऑल का मतलब यहाँ पर सम से लिंक करना आप, कि सभी के सभी लैम्डा अगर एफ में बिलोंग करता है ना, तो वो सिचुएशन होती है डायगोनलाइजेबिलिटी की पॉसिबिलिटी का, ऐसा नहीं कि इंप्लाई कर देगा, पॉसिबिलिटी पॉसिबल होता है, मतलब डायगोनलाइजेबल है इसी का, आप जस्ट रिसिप्रोकल देखो ना, अगर ये है तो नॉट डायगोनलाइजेबल, इसका मतलब डायगोनलाइजेबल है तो सभी के सभी आइगन वैल्यू एफ में होगा, है ना, इसका मतलब कुछ ऐसे हैं लैम्डा जो फील्ड एफ में बिलोंग नहीं करते, तो समझ लीजिए टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल। इसके लिए एग्जांपल दे, मैं लीनियर ऑपरेटर लिया हूँ, आप यहाँ से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करूँगा टू क्रॉस टू मैट्रिक्स बनेगा, एंट्रीज आर से होगा, फील्ड भी आर है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया 0 1 -1 0, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बाकायदा इंटीजर एंट्रीज है, मतलब रियल एंट्रीज है, ठीक है ना। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल बनाइए लैम्डा स्क्वायर माइनस है ना 0 + 0,
क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस प्लस ऐसे जाता है ना, ट्रेस रहेगा। ट्रेस क्या होगा, जीरो प्लस जीरो जीरो इंटू लैम्डा प्लस माइनस फिर प्लस, इनकी डिटर्मिनेंट जीरो प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस वन, लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आई, और ये होता है डज नॉट बिलोंग टू अर्थ। अद्भुत है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स आपने लिया है यहाँ से, सिंपल सी बात बोलूँ तो देयर डजंट एग्जिस्ट एनी आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर डायग्नोजिबिलिटी कैसे होगा, है ना। वही बात है ना कि कैरेक्टरिस्टिक रूट जो निकला है वो फील्ड में बिलोंग नहीं करता है, यानी लैम्डा की जो वैल्यू निकली है वो फील्ड में बिलोंग नहीं करता। फील्ड हमारा क्या है, आर, आर में बिलोंग करता है कि प्लस माइनस आई, नहीं। इसका मतलब डायरेक्टली इंप्लाई करता है कि ये नॉट डायग्नोजेबल। क्लियर है, इसमें डायग्नोजिबिलिटी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा नॉट डायग्नोजेबल, ठीक है ना। अब इसी जो रिजल्ट है इसी को हम दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, सिक्स पॉइंट देखिए, इफ टी इज डायग्नोजेबल ओवर फील्ड एफ देन डायरेक्टली इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी दैट इज सी टी ऑफ एक्स स्प्लिट्स ओवर फील्ड एफ। जो मैंने अभी जो लिखाया था पॉइंट फिफ्थ नंबर का, वही है ये, बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज हो गया लेकिन बात वही है। अब कैसे, अब समझना है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से निकलने वाले रूट्स ही होते हैं जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। अब वो फील्ड एफ में बिलोंग कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। फील्ड एफ में बिलोंग करता है तो उसी को बोलते हैं हम आइगन वैल्यू, हो सकता है ना करे। अगर अभी जस्ट हम रिजल्ट देखें कि डायग्नोजिबिलिटी का कंडीशन होगा तो जितने भी लैम्डाज होंगे सबके सब फील्ड में बिलोंग करेगा, आइगन वैल्यूज होंगे। और अगर कुछ ऐसे लैम्डा भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट तो हैं लेकिन फील्ड एफ में बिलोंग नहीं करता, समझ लीजिए कि वो सिचुएशन ऐसा है कि वो डायग्नोजेबल नहीं होगा। और इसका मतलब क्या है, फील्ड एफ पर स्प्लिट नहीं होता है, क्योंकि फील्ड एफ में लाई नहीं कर रहा है, रूट्स जो है निकला हुआ है वो रूट्स अगर फील्ड एफ में लाई नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि फील्ड एफ पर स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, सही है ना। वही बात तो यहाँ पर है, ठीक है, कि अगर सी टी ऑफ एक्स स्प्लिट नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आइगन वैल्यूज जो होंगे यानी लैम्डाज जो होंगे वो फील्ड एफ में बिलोंग नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे इसका मतलब नॉट डायग्नोजेबल। क्लियर है, ठीक है ना। इफ सी टी ऑफ एक्स डज नॉट स्प्लिट टू हर एफ देन डायरेक्टली इंप्लाइज टी इज नॉट डायग्नोजेबल, दैट मीन्स इफ टी इज डायग्नोजेबल हर एफ देन डायरेक्टली इंप्लाइज सी टी ऑफ एक्स स्प्लिट्स ओवर एफ, है ना। क्लियर है, तो ये रिजल्ट दिमाग में अच्छे सेट कर लीजिए, डायग्नोजेबल है तो स्प्लिट हो जाएगा, सभी के सभी लैम्डा फील्ड एफ में लाई करेगा, ठीक है। फील्ड एफ में लाई नहीं कर रहा है मतलब सी टी ऑफ एक्स स्प्लिट नहीं हो रहा है ना, डायरेक्टली इंप्लाइज टी इज नॉट डायग्नोलाइजेबल, परफेक्ट है, ओके। अच्छा एक चीज और जो मैंने यहाँ पे लिखा है, टी इज डायग्नोलाइजेबल ओवर एफ देन डायरेक्टली इंप्लाइज सी टी ऑफ एक्स स्प्लिट्स ओवर एफ बट नॉट कन्वर्सली। नॉट कन्वर्सली का मतलब सी टी ऑफ एक्स स्प्लिट करता है, वहाँ से आप ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते, है ना, कि फील्ड एफ पर टी जो है डायग्नोलाइजेबल ही होगा, है ना। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल 3x3 मैट्रिक्स है, ओके, 1 1 2 1, बाकी सब एंट्रीज हैं 0, है ना। अब मैंने एक चीज़ बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स लो, जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज में जो होते हैं एग्जैक्टली वही आइगन वैल्यूज होते हैं। तो आइगन वैल्यूज इनके हैं 1 1 और 2, ठीक है ना, टू डिस्टिंक्ट हैं तो उसके लिए ए एम और जी एम तो इक्वल होगा ही, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अभी जस्ट रिजल्ट भी देखें, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़ के लिए ए एम जी एम हमेशा इक्वल होता है। मेन है 1 1, क्योंकि रिपीटेड है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग ए एम है 2। अब देखते हैं जी एम भी क्या है, 2 आएगा, है ना। तो जी एम लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग इसका मतलब है, है ना, नलिटी ऑफ लैम्डा, नलिटी ऑफ ए माइनस, इसको ये नाम दे दो ए माइनस 1i, ठीक है, या फिर ए माइनस आई करके, है ना, इसी को डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस बोलते हो। ए माइनस आई का नलिटी देखना है तो भाई इसका रैंक क्या होगा, है ना, वो देख लीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आप डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट निकाल करके देख लीजिए, है ना, नॉन जीरो आएगा, क्योंकि इनके सभी आइगन वैल्यूज नॉन जीरो हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा, नॉन जीरो, इसका मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो, डिटरमिनेंट नॉन जीरो, इसका मतलब इनकी रैंक 3। अच्छा वेट, हमें रैंक ऑफ ए माइनस आई से मतलब है ना, तो डायरेक्ट ए का रैंक क्यों देखना, ए माइनस आई देखो, ए माइनस आई क्या होगा, है ना, 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसकी जो रैंक होगी कितनी होगी देख के समझ आ रहा है, 2 नॉन जीरो कॉलम्स हैं, क्या हो जाएगा इनकी, है ना, रैंक हो जाएगी 2। अब रैंक 2 है तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम, है ना, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू डायमेंशन, या फिर है ना ऑर्डर, ऑर्डर कितनी है 3, रैंक कितनी है ए माइनस आई का 2, तो यहाँ से नलिटी ऑफ ए माइनस आई कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो भैया कितना मिला 1, तो ए एम वो 2 है लेकिन जी एम 1 है 1 के करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब नॉट इक्वल, गड़बड़ हो गया ना, इक्वल होना चाहिए था ना। स्प्लिट होने का मतलब था सबके सब जो लैम्डा की वैल्यू सबके सब आइगन वैल्यू है, यानी ये कंडीशन है लेकिन डायग्नोजेबल नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रहा है, तो नॉट कन्वर्सली भी हो गया। क्लियर है,
कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैंने 2x2 मैट्रिक्स ले लिया, कोई भी ले सकते हो ना, ठीक है। इसकी डायगोनलाइजेबल भी बात करते हैं, तो डायगोनलाइजेबल है या नहीं, सबसे पहले तो आइगन वैल्यू देख लीजिए। अगर आपके मैट्रिक्स डायगोनल है, अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, तो सबसे समझ लीजिए जबरदस्त सिचुएशन है जो यहाँ पे है। अब लोअर ट्रायंगुलर है मतलब -1 और 2, ये दोनों इनके आइगन वैल्यूज होंगे, ठीक है ना। तो -1 और 2, तो -1 के करेस्पॉन्डिंग am क्या है वो देख लीजिए, और फिर है ना λ=2 के करेस्पॉन्डिंग am क्या है वो देख लीजिए। हमें पता है ये 1 है 1 है, और जब भी 1 होता है तो am और gm हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ am gm पूरे हर एक आइगन वैल्यूज के इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया डायगोनलाइजेबल। परफेक्ट ना, देख के समझ आ गया है ना, कितना जल्दी रिजल्ट मिला है ना। जैसे 3x3 मैट्रिक्स है, 1 1 है ना, 2, और ये इस तरह से है। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स दिया, पूछ रहा है डायगोनलाइजेबल है या नहीं, तो कुछ दिमाग लगाना चाहिए। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, अलग से नोट भी कर सकते हैं। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। खेल तब होता है जब इसी में आपको इस तरह से दे दें, है ना, जैसे इस तरह से आपको है ना दे दिया। अब सिचुएशन थोड़ा सा है ना, आइगन वैल्यूज क्या क्या है, -1 -1 2, परफेक्ट है। अब चेक कर लीजिए है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग देखने की जरूरत नहीं, एम जी एम इक्वल होगा, सिर्फ -1 के करस्पॉन्डिंग देखना है, ठीक है ना। तो -1 के करस्पॉन्डिंग am है ना क्या है, 2 है। अब मुझे देखना है -1 के करस्पॉन्डिंग gm, नलिटी ऑफ है ना a -1i, दैट इज -± i, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, रैंक ऑफ a+i क्या है, और इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा a+i क्या है। तो a+i को जब देखेंगे है ना, ठीक है ना, इनके साथ प्लस आई करना है, -1 + 1 0 1 0, ठीक है ना, 0 0, -1 + है ना 1 0, 0 0, और 2 + 1 3, इनकी रैंक कितनी है, 2, इसका मतलब 2 है ना, रैंक नलिटी थ्योरम से इक्वल टू है ना क्या हो जाएगा, 3 - 2 है ना, ऑर्डर कितनी है 3 ना, रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू 3 है ना, तो नलिटी इक्वल टू 3 - रैंक कितनी है 2, कितना आ गया 1, तो है ना देख सकते हैं दोनों इक्वल है क्या नहीं, इसका मतलब नॉट डायगोनलाइजेबल। परफेक्ट ना, ऐसे खुद से एग्जांपल लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए है ना, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, देख लीजिए वो डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, वो तो सीधा सीधा है ना आपका क्या बोलते हैं है ना, कौन सा मैट्रिक्स है डायगोनल ना, तो डायगोनल है तो डायगोनलाइजेबल हो गया, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो कॉन्सेप्ट है, जितना भी चीज़ बताया गया, क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन में फैसिलिटी ये है कि आप जो है पर्सनली मुझसे है ना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं है ना, और उसे बहुत सारे नए नए ऑप्शंस भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिस भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की नीड होगी उनको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।